हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में कंपैरिजन कर रहे हैं भारत और चाइना के हाई स्पीड रेल के बीच में। चीन में इस वक्त ऑलरेडी ही हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन चलती हैं, जबकि अभी इंडिया में हमारी पहली बुलेट ट्रेन को शुरू होने में भी समय लगेगा। लेकिन यहाँ बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीन से लेट शुरू की है हमने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, तो आखिर चीन ने कब इसे शुरू किया था। हम लोग अगर इसे लेट शुरू कर रहे हैं तो चीन की पुरानी बुलेट ट्रेन के मुकाबले हमारी ट्रेन में क्या कुछ नया फर्क होगा और कितना समय लग सकता है हमें हाई स्पीड रेल के मामले में चीन से कम्पीट करने में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो बुलेट ट्रेन सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो हुई थी जापान में। ये आप लोग शायद जानते होंगे, जब पूरी दुनिया लगभग ये समझ चुकी थी कि ट्रेन फ्यूचर में नहीं चल पाएंगी और या तो एरोप्लेन्स और या फिर किसी और अल्टरनेटिव को इस्तेमाल में लेना पड़ेगा, उसी वक्त जापान ने दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन चलाकर फ्यूचर लगभग पूरी तरह बदल दिया। लेकिन फिर भी आज दुनिया में हाई स्पीड रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क जापान, अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री के पास नहीं बल्कि चाइना के पास है। पिछले साल दिसंबर तक यानी दिसंबर 2020 तक चाइना के पास 38,000 यानी 38,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क अवेलेबल था और ये धीरे धीरे चाइना और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। और उसके मुकाबले इंडिया में हमारे पहले 500 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बनाने में भी हमें 2026 या 2028 तक का समय लग सकता है। तो आखिर इतना ज्यादा फर्क कैसे? तो 1934 में एशिया एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चलती थी चाइना में, जो कि उस वक्त 110 यानी 110 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दौड़ सकती थी। 1934 के टाइम के मुकाबले वो काफी फास्ट थी। लेकिन चीन ने उसके बाद कभी ऐसा कोई खुद से स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया हाई स्पीड रेल के लिए 1990s तक। सबसे पहली बुलेट ट्रेन की स्टार्टिंग की प्लानिंग चाइना के अंदर 1990s में जाकर के शुरू हुई थी, जब डेंग ज़ियाओपिंग 1978 में जापान गए थे और उन्होंने वहां सबसे पहले बुलेट ट्रेन देखी थी। और जैसे सबको बुलेट ट्रेन इम्प्रेस करती ही है जापान की, तो उसी तरह से उस पहली बुलेट ट्रेन ने उन्हें भी इम्प्रेस कर दिया। और दिसंबर 1990 में सबसे पहला प्रपोजल रखा गया चीन में हाई स्पीड रेल को बनाने के लिए। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि चीन में भले ही सबसे बड़ा नेटवर्क हो इस वक्त दुनिया का, लेकिन उन्होंने इसकी प्लानिंग भी 1990s में ही शुरू कर दी थी। लेकिन 2008 में जाकर बीजिंग और शंघाई के बीच 380 किलोमीटर यानी 380 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड रेल पे काम शुरू हुआ। इसके पहले काफी सारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वैसे चला दी गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड यानी 350 से 380 किलोमीटर पर आर के बीच में चलने वाली ट्रेन का काम 2008 में जाकर ही शुरू हुआ था। ये सबसे पहली ट्रेन का काम 2008 में जाकर शुरू हुआ। ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमारी ट्रेन की स्पीड भी यानी ऑपरेटिंग स्पीड 320 यानी 320 किलोमीटर पर आर ही होगी। लेकिन उसके बाद चीन ने हाई स्पीड रेल पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। जापान से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी हुआ शुरुआत में, जिससे काफी सारी नई चीजें चाइना ने सीखी थी, लेकिन खुद को उन्होंने बहुत जल्दी सेल्फ सफिशिएंट बना दिया और शुरुआत की टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेकर अपनी ही कंट्री के अंदर नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए आपको आज शायद चाइना की हाई स्पीड ट्रेन जापान के मुकाबले काफी हद तक अलग दिखती होंगी, दिखने के मामले में भी या फिर थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के मामले में भी, क्योंकि इस तरह की ट्रेन उन्होंने 2010 से ही अपने हाई स्पीड रेल में इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया था। वैसे अब इसे कोइंसिडेंस बोले या फिर कुछ और, लेकिन जब चीन ने काफी ज्यादा स्पीड यानी लगभग 350 किलोमीटर पर आर तक को अचीव कर लिया, खुद की पहली इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन 26 अक्टूबर 2010 को शंघाई और हंगाओ के बीच में इंट्रोड्यूस करा दिया, उसी समय इंडियन गवर्नमेंट को भी ख्याल आया कि कुछ तो हमें भी करना चाहिए। तब जाकर 2009-2010 के रेल बजट में पहली बार 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को प्रपोज किया गया फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। अब हम हाई स्पीड रेल को चलाने के मामले में अभी भी इतना पीछे क्यों है, ये आप लोग देख सकते हो, क्योंकि चीन ने जब इसको अपने देश में लिटरली चलाना शुरू कर दिया था, तब जाकर इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट प्रपोज किए गए थे। बाकी इसके बाद तो शायद आपको इंडिया के कॉरिडोर्स के बारे में पता ही होगा कि मुंबई अहमदाबाद वाला जो कॉरिडोर है उसे सबसे पहले चुना गया था, जिसे
पहले 650 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद से पुणे तक बनाया जाना था, लेकिन बाद में कॉस्ट और इंटरेस्ट के चलते मुंबई पुणे वाले सेक्शन को ड्रॉप कर दिया गया और प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद तक ही रह गया। और उसके बाद बाकी MOUs वगैरह साइन हुए इंडियन गवर्नमेंट और जापान की गवर्नमेंट, साथ ही रेलवे मिनिस्ट्री और फ्रेंच नेशनल रेलवे के बीच में टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन और फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। लेकिन यहाँ पर यह चीज भी है कि जापान ही लगभग सब कुछ कर रहा है इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन के लिए, वो चाहे उसके लिए फाइनेंस हो या फिर ट्रेन टेक्नोलॉजी, उसके कंस्ट्रक्शन में मदद, मैक्सिमम लगभग सब कुछ जापान की मदद से ही हो रहा है। यानी अभी शुरुआत के लिए तो सही है, लेकिन चीन की तरह ही हमें भी खुद की ट्रेन बनानी पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि उम्मीद तो पूरी है कि हाई स्पीड रेल का इंडिया में रिजल्ट लोगों के बीच पॉजिटिव ही होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में और ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, जो हमें चीन जैसा ही करना पड़ेगा, यानी खुद की टेक्नोलॉजी बना करके काम करना पड़ेगा। लेकिन भले ही हम फ्यूचर में काफी ज्यादा कोशिश करें, लेकिन क्या चीन से कंपेयर फिर भी नियर फ्यूचर में कर पाएंगे? शायद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 2030 तक चाइना ने हाई स्पीड रेल नेटवर्क को 45,000 किलोमीटर करने का टारगेट रखा है और 2035 यानी 2035 तक 70,000 यानी 70,000 किलोमीटर, और इंडिया का मैक्सिमम 2030 या 31 तक हाई स्पीड रेलवे का नेटवर्क 2,700 यानी 2,700 किलोमीटर का हो सकता है। और ये मैंने बोला है मैक्सिमम, यानी अगर सब कुछ बिल्कुल टाइम पे खत्म हुआ तो। लेकिन वैसे ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, हाई स्पीड रेल के मामले में मतलब लेंथ के मामले में चीन का मुकाबला नियर फ्यूचर में कोई भी नहीं कर सकता, वो बड़ी से बड़ी कंट्री क्यों ना हो। क्योंकि दुनिया में आज जितना भी हाई स्पीड रेल का नेटवर्क है उसमें से 66% आज सिर्फ चाइना के अंदर ही है, और जापान का तो शायद कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जापान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, उनको इतने बड़े नेटवर्क की कभी अपने देश में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भले ही चलिए लेंथ के मामले में नहीं, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में तो शायद हम लोग चाइना से हाई स्पीड रेल में कम्पीट कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब है राइडरशिप के मामले में, कि कितने लोग इस्तेमाल करेंगे हाई स्पीड रेलवे को। तो चीन में पिछले साल यानी 2020 में 220 करोड़ लोगों ने बुलेट ट्रेन को इस्तेमाल किया है। ये टोटल आंकड़ा टिकट्स के हिसाब से है, यानी जैसे मान लो मैंने एक बार जनवरी में ट्रेवल किया और दूसरी बार मान लो जून में, तो मैं दोनों बार ट्रेवल करने के लिए अलग अलग टिकट खरीदूंगा, मैं टोटली दो बार काउंट किया जाऊंगा। इसी तरह से टोटल 220 करोड़ टिकट सेल हुई थी 2020 में चाइना के अंदर, जबकि NHSRCL यानी वो कॉरपोरेशन जो इंडिया में बुलेट ट्रेन की ऑपरेटर है, उनके हिसाब से एक दिन में एक कॉरिडोर के अंदर मैक्सिमम 2,00,000 लोगों को वो शुरुआत में हैंडल कर पाएंगे। यानी एक दिन में 2,00,000 मतलब एक महीने में 60,00,000 और एक साल में 7,20,00,000। चार कॉरिडोर का कम्प्लीशन टारगेट 2031 से पहले का रखा गया है, यानी अगर हर कॉरिडोर भी 2,00,000 लोगों को एक दिन में हैंडल कर पाएगा, यानी टोटल हो गए 28,80,00,000 लोग, मतलब 28,80,00,000 लोगों को मैक्सिमम हम लोग 2031 तक एक साल में बुलेट ट्रेन के अंदर ट्रेवल करवा सकेंगे, यानी राइडरशिप भी चीन के मुकाबले कम ही होगी। लेकिन ये वैसे डायरेक्ट कंपैरिजन का पैरामीटर बनता भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका हाई स्पीड नेटवर्क आज ही इतना बड़ा है कि वो मैक्सिमम लोगों को हैंडल कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें ट्रेन की, तो जैसा मैंने बोला था कि चीन ने खुद की ट्रेन बनाई है और वो काफी सारी ट्रेन को अपने देश के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि इंडिया में शुरुआत ही हम लोग पहली बार कर रहे हैं, और इसीलिए जापान के शिंकानसेन E5 सीरीज इस्तेमाल में ले रहे हैं। ये वैसे जापान की भी काफी नई ट्रेन्स हैं, 2011 से ही ये वहाँ सर्विस में है, और अभी भी जापान के अंदर काफी सारी इन नई ट्रेन्स के ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि 2011 में टोहोकू और 2016 में होकाइडो, सिर्फ इन्हीं दोनों जगहों पर ये ट्रेन्स चलती हैं। यानी इंडिया में भी वही ट्रेन्स आ रही हैं जो एक तरह से जापान के अंदर भी अभी नई ही हैं। चलिए अभी आखिर में बात करें अगर अब फास्टेस्ट ट्रेन्स की, यानी कि फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन की, ना कि मैगलेव वगैरह की, तो चाइना में सी क्लास ट्रेन सबसे तेज मानी जाती है। चीन में बेसिकली हाई स्पीड सर्विस को 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, जी क्लास, डी क्लास और सी क्लास। डी क्लास में वो ट्रेन्स होती हैं जो कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे चलती हैं। जी क्लास में वो जो एटलीस्ट 250 किलोमीटर प्रति घंटा को टच कर सकती हैं, और सी क्लास में वो ट्रेन्स होती हैं जिनकी स्पीड एवरेज 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर ही रहती है, और मैक्सिमम ये 350 से
360 किलोमीटर प्रति घंटा को टच कर जाती है। जबकि बात करें अगर इंडिया की, तो हमारी ऑपरेटिंग स्पीड सभी ट्रेन्स की अभी तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा ही बोली गई है, यानी यही हमारी मैक्सिमम स्पीड भी कही जा सकती है। तो वीडियो में आपको मैंने ये बताया कि कैसे चाइना और इंडिया में हाई स्पीड रेल शुरू हुई थी या फिर शुरू की जाएगी, और कैसे उसके बाद उसे एक्सपेंड किया गया। मतलब 10 मिनट की वीडियो में जितना बता सकता था कोशिश किया सब बताने का। बाकी आपको क्या लगता है कि चीन से कंपेयर करना सही था? मतलब क्या फ्यूचर में ऐसे कोई कॉम्पिटिशन वगैरह लगा करके उन्हें हाई स्पीड नेटवर्क में हराने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर क्योंकि हमने अभी शुरू किया है तो इसके रिजल्ट को देखना चाहिए, फिर जाकर के धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से इसे एक्सपेंड करना चाहिए, ये एक सही तरीका है। बाकी दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि हमने हाई स्पीड रेल को शुरू करने में देर की है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।